बसमिल वरह कैसे आप ख़रीद से हैं आज के वीडियो में आपको इसखारे के मतलब कुछ बेसिक और कुछ हकीकी फैक्ट्स कुछ बताऊँगा मैं और कैसे इस्तारे के ज़रिए लाखों लोगों को लूटा जाता है कैसे इस्तारे के ज़रिए लोगों को मसायल के हल का डोंग रचा कर पैसे लिए जाते हैं लाखों करोड़ों लिए जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते एक एक बंदे से दस बारह लाख मुझसे रबता करने वाले लोगों में हाईएस्ट जिस बंदे ने इन इस्तारों के नाम पे जादू बंदिश के नाम पे पैसे दिए हैं वो अस्सी लाख के करीब है एक बंदे ने अपने मसाइल के हल के लिए अस्सी लाख के करीब आ, लोगों को दिए हैं तो आज मैं आपको इस सहारे के बारे में बहुत सी बातें बताने जा रहा हूँ सबसे पहले इस सखारे के लिए नाम वाले का नाम देना कैसा है आ, बिल्कुल गलत है आप आप भी कोई इस सहारे के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे पूछ सकते हैं ताकि दूसरे लोगों की रहनुमाई के लिए दूसरे लोगों को इससे फ़ायदा हो जाए तो इस तखारे में सबसे पहली चीज कि इस तखारा नाम वालदा का नाम देकर इस तखारे करवाना ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है अगर आप नाम वालदा का नाम देकर अगर आप नाम वालदा का नाम देते हैं तो आप पर जादू भी हो सकता है बंदिश भी हो सकती है आप पर जन्नात को मसलत भी किया जा सकता है जो कुछ भी कर सकते हैं और ये बात भी याद रखिएगा के इस्खारा करना और कोई ऐसे वज़ायफ़ करना जैसे कमेंट में पूछा गया कि मुज़म्मिल का वजीफ़ा कर सकते हैं चालीस के लिए इतने लंबे वजीफ़े हरगज़ नहीं करने चाहिए सुनत आमल के अलावा कुछ सुनत अमल है जैसे इस्तीफ़ार अमल है नबील मुस्तकिल किया करते थे इन आमल को तो कर सकते हैं वरना और कोई वजीफ़ा भी आप तीन दिन से ज़्यादा हरगज़ ना किया करें तो इस्हारे के मतलब मैर्ज करा था कि एक तो यह कि नाम वालदा का नाम हर नहीं लेना चाहिए दूसरा यह है कि किसी के साथ जाके इसहारे किसी के पास जाके या किसी को फ़ोन पर रबे करके इस्तारे नहीं करवाने चाहिए तीसरा इस्खारा असल है क्या असल इस्तारा वो है जो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया और सहाबा फरमाते हैं नबी इस्लाम हमें इस्तारा की यूँ तालीम दिया करते थे जैसे हमें कुरान पाक की तालीम दिया करते थे और फिर इस्खारा है क्या बाज़ कहते हैं जी इसखारा तो सुनत है वो जो सुनत इस्खारा है ना वो और है ये जो इस्खारा है ना ये अलग इस है जो आज कल आमलू ने निकाला हुआ है इस तरह तो आपने हर गि जाना ही नहीं ये इस इसे की तो मैं आ, क्या कहते हैं इस इसतारे का दरवाज़ा तो मैं यही बंद करा हूँ कि आपने कभी भी किसी को भी अपना अपनी वालदा का नाम किसी भी चेकअप के लिए नहीं देना अलहमद ला इस्लामी खबर और आसाम आफिशियल के वज़ायफ़ ही चेकअप हैं जादू के लिए हमारा जो वजीफ़ा है आप उसको करेंगे तो अगर वाकई जादू हुआ तो जादू ख़त्म हो जाएगा और अगर कुछ भी आपको फ़र्क ना पड़ा तो समझ जाए जादू है ही नहीं कोई ना कोई गुना है जिसकी वजह से मसला हल नहीं हो रहा तो चेकअप भी आमाल से होता है अब आते हैं दूसरे इस्तखारे की तरफ और वो क्या है वो है इस्तखारा अल्लाह से मशवरा करना जिसकी नबी इसम ने तलीम दी जो सुन्नत भी है और इस्तखारा कहते हैं मशवरा करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मशवरा करना अब उसका तरीका क्या है उसका तरीका यह है कि दो रक नफल हाजत की नीयत से आप पढ़ें इस्तारा की नीयत से इस सहारा की नीयत अब नीयत कैसे करनी है आप जब वज़ू करने गए हैं और आपने कहा जी मैं ना इसखारे इस के नफल पढ़ लूँ अब मैं वज़ू करती हूँ मसल पे गई हूँ तो ये जो आप उठे हैं वज़ू करने के लिए तो एक नीयत लेके उठे है ना यही इस्तारा है यही नीयत है आपकी कुछ जुबान से नीयत का कहना जरूरी नहीं है आप मसल पे आए आपने दो नफल पढ़े उसके बाद आपने दौर का नफल पढ़ने के बाद एक इस्ख़ारा की दुआ है अल्लाम इन्नी अस्तखीर कभी का वस्तर कभी बेकदराती का तो ये मुकम्मल एक दुआ है मसनून दुआ गूगल में आपको कहीं भी मिल सकती है आप हमसे भी ले सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आ, मैं इन ये इसको पोस्ट भी कर दूँगा इस दुआ को आप वहाँ से देख सकते हैं ग्रुप का लिंक मैंने कमेंट में दे दिया है आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं और इसी में इनशाला मैं चेंज योर लाइफ कोर्स के हवाले से बड़ी आसानी हो गई मैं आप लोगों को डिटेल सेंड कर दिया करूँगा और आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं तो मैं ये अर्ज कर रहा था इस सहारा क्या है आपने दो नफल पढ़े इस सहारा के नीत से उसके बाद आपने वो दुआ पढ़ी उस दुआ में क्या है अल्लाह ये ये जो चीज़ है जिसके लिए मैं अमल कर रहा हूँ हाजल अम्र में वो चीज़ अपने जहन में लानी होती है ये जुबान से कहना होता है अल्लाह जी मैं रिश्ते के हवाले से अमल कराऊँ अगर ये मेरे लिए बेहतर है इसको मेरे क़रीब कर दें मुझे इसके करीब कर दें आसान कर दें अगर ये बेहतर नहीं तो इसको मुझसे दूर कर दें मुझे इससे दूर कर दें तो ये जब आप दुआ इस्तारा की कर लेते हैं बस ये हाथ उठा के ये दुआ पढ़नी होती है तो फिर होता क्या है होता ये है जैसे अभी हुसैन ने ये कहा मेरी सिस्टर का रिश्ता आया है अच्छा है या नहीं तो क्या करें तो आप ये जो दो नफल पढ़ेंगे और फिर सहारा की दुआ पढ़ेंगे तब तक जब तक फैसला नहीं हो जाता हाँ हो जाए या ना हो जाए मतलब ये रिश्ता पक्का हो जाए या इस रिश्ते से इनकार हो जाए तब तक आपने रोजाना ईशा के बाद दो नफल हाजत की इस सहारा की निये किसी और वक्त भी कर सकते हैं जहर मगरबीशा के बादल पढ़े जा सकते हैं आपकी मर्जी है जब चाहे करें आपने नफल पढ़े है ना दिन में दो दफा तीन दफा भी पढ़ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा इसको सात दिन कर लें ज्यादा से ज्यादा सात दिन कर लें सात दिन के अंदर अंदर आपका दिल मुतमिन हो जाए आप रिश्ते के लिए हाँ कर दे और इसमें इस सहारा का फायदा पता क्या होता है मैं इसकी निशानी बताता हूँ इस सहारा अच्छा है या बुरा है बाद लोग कहते हैं जी आ, अगर सोना ना हो तो इस सहारा कैसे करें भाई इस सहारे के लिए सोना जरूरी नहीं है जिसको नींद ना आए वो क्या करे इस सहारा ना करे कोई फौरी अमल करना है तो इस सहारा ना करें अब सोना पड़ेगा जोर जो लगाएंगे सोने के लिए नहीं दीन मुश्किल नहीं है ये दीन बहुत आसान है मुश्किल हमने बना लिया करना क्या है सोना ज़रूरी नहीं खाब में नीली पीली सब्ज झंडी नजर आए ये को जरूरी नहीं है और नजर भी आए तो कोई फायदा नहीं असल क्या है इस सहारे का आपको पता कैसे चलेगा फिर वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये सहारा मेरे लिए बेहतर है तो बहुत आसान है आपने रिश्ते के लिए मिसाल के तौर पर आपने कहा कि जी फला जगह मेरा रिश्ता मैंने ला जी उसके लिए पैगाम भेजा है यहाँ रिश्ता मेरे लिए बेहतर है या नहीं आप इस सहारा करें तो अगर आपके लिए रिश्ता बेहतर हुआ इस सहारे की निशानियाँ क्या हैं बेहतर है या नहीं ये कैसे पता चलेगा बहुत आसान है देखें अगर आपके लिए रिश्ता बेहतर हुआ ना तो खुद बहुत रिश्ते के हालात बनते जाएंगे कोई नहीं भी मानता था वह भी मान जाएगा जो रुकावट थी वो भी खत्म हो जाएगी खुद बहुत ऐसे हालात बन जाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी ये रिश्ता हो सकता है खुद बहुत हालात बनते जाएंगे और रिश्ता भी तय हो जाएगा निकाह तक हो जाएगा और अगर ये रिश्ता आपके लिए बेहतर नहीं आगे जिंदगी में आइंदा आने वाली जिंदगी में आपके लिए रिश्ता बेहतर नहीं तो फिर क्या होगा फिर ये होगा कि अच्छे भले सारी तैयारियां हो चुकी हैं सब माने हुए हैं सब राजी हैं एक मामा उठ जाएगा कोई चाचा उठ जाएगा मैं नहीं होने देना ये रिश्ता कोई भी रुकावट आ जाएगी कोई ना कोई ऐसी रुकावट आ जाएगी अचानक रिश्ता खत्म हो जाएगा तो ये आप समझ आइएगा कि ये मेरे लिए बेहतर नहीं था समझ आ गई हूँ और कोई गल आपने कुछ पूछना है तो सॉरी ये तो वीडियो भी अपलोड होगी ना ये तो एक क्वेश्चन ये भी था कि जॉब के लिए इस सहरा कर सकते हैं आप बिल्कुल करें इसहारा करें आप आपके लिए जाब बेहतर हुई आपको मिल जाएगी जॉब बेहतर ना हुई तो कोई ना कोई रुकावट इसमें भी आ जाएगी अल्लाह रबालजत से हर हाल में राजी रहना होता है और मजीद इसमें आ, मैं फिर अर्ज कर दूँ इस के लिए सोना जरूरी नहीं कोई ख्वाब में नीली पीली झंडी देखना जरूरी नहीं इस दिल के इतमान का नाम है और अगर आपका दिल मुतमिन नहीं फिर भी आप कोई अमल कर देते हैं तो भी अल्लाह उसमें खैर डाल देंगे यानी दो रास्ते हैं बाएं या दाएं किधर से जाऊं तो दोनों रास्तों से बाफ़ा दिल का इतमान नहीं होता ना मिसाल के तौर तो पर दो रास्ते हैं आपने दाएं से जाना है या बाए से आपका दिल दोनों पे ही नहीं मुतमिन हो रहा तो फिर क्या करेंगे आपने जाना तो है एक रास्ते पे तो आप जिस तरफ भी चलेंगे अल्लाह उस रास्ते में खैर पैदा फरमा देंगे आई समझूण मतलब ये कि इस्तारा ऐसा अमल है कि नबीमाय कि इस्तारा करने वाला कभी भी कभी भी नुकसान नहीं उठाता कभी खसारे में नहीं रहता मफो मर्ज कराऊँ और कभी शर्मिंदा नहीं होता इस आजिश को अपनी दुआओं में याद रखिएगा इस्ते के हवाले से मजीद कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं मैं आपको इनशाला नेक्स्ट कभी नेक्स्ट जो मैं रोज़ाना ईशा के बाद पाकिस्तानी टाइम में इशा के बाद लाइव आता हूँ रात में किसी भी वक्त आपको मैं इनशाला आप उस लाइव में मुझसे रबता कर सकते हैं मैं आपको मजीद जो क्वेश्चन होंगे उनके हवाले से मुझे वीडियो अपलोड कर दूँगा आप हमारी वीडियो में कमेंट लाजमी कर दें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो इस सहारे के टॉपिक पर पार्ट टू के तौर पर बना लें अगर ऐसे क्वेश्चन हुए मैंने अपने तौर पर जो जो ज़रूरी क्वेश्चन आपके जेहन में आ सकते हैं मैंने उन सब का हल बता दिया है इस साजिश को अपनी नुआ में याद रखिएगा असल वरम्ला